हाँ देखिएगा, हमने कल लास्ट क्लास तक क्या देखा था, फ्यूचर पढ़ लिया था, और अब फ्यूचर के आगे ऑप्शन। फ्यूचर तक कंप्लीट हो चुका था, अब बचा था डेरिवेटिव के अंदर ऑप्शन। तो मैं हेडिंग लगा देता हूँ, डेरिवेटिव के अंदर जो बचा है पोर्शन। हालांकि डेरिवेटिव का चैप्टर अभी आएगा, आया नहीं है। तो डेरिवेटिव के अंदर क्या रहने का, अपने को सिर्फ प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं अपन लोग। तो अभी इसके अंदर अपने को पढ़ना क्या, ऑप्शन। फ्यूचर लास्ट क्लास में हो चुका था। ओके, ऑप्शन जो होंगे सर, ऑप्शन क्या है, ये भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, ये कैसे काम करता है। ऑप्शन में दो तरह के ऑप्शंस चलते हैं, कौन कौन से, एक कॉल ऑप्शन और दूसरा पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन और दूसरा पुट ऑप्शन, जिसमें आप डी कर सकते हैं। एक कॉल ऑप्शन और दूसरा पुट ऑप्शन, जिससे आप डी कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन कैसे काम करता है और पुट ऑप्शन कैसे काम करता है, देखो यहां पर क्या होगा। ऑप्शन के जैसे नॉर्मली बायर और सेलर होते हैं, वैसे यहां पर भी ऑप्शन के बायर और ऑप्शन के सेलर होंगे। ऑप्शन के बायर और ऑप्शन के सेलर होंगे, ऑप्शन बायर भी होगा और एक ऑप्शन सेलर भी होगा। कॉल ऑप्शन में बात कर रहे हैं, कॉल ऑप्शन में ऑप्शन बायर क्या होता है सर, ऑप्शन बायर वो क्या खरीदता है, उसको क्या शेयर मिलते हैं, नहीं। जैसे फ्यूचर में क्या था, अगर हम फिजिकल सेटलमेंट में बात किए थे तो हमने क्या कहा था, मैं आऊंगा और शेयर खरीदूंगा। उसमें क्या था, मैं भी बाउंड था और सामने वाला भी बाउंड था। मैं खरीदने के लिए बाउंड था और सामने वाला बेचने के लिए बाउंड था, बोलो यस और नो। फ्यूचर के अंदर मैंने क्या कहा था, मैं आऊंगा और TCS 3300 या 3375 में खरीदूंगा। तो मैं जाके खरीदने के लिए बाउंड हूं और सामने वाला बेचने के लिए बाउंड है। ओके, बट ये क्या है, ऑप्शन है। ऑप्शन मतलब यू हैव राइट, कौन रखता है राइट, ऑप्शन बायर। ऑप्शन बायर के पास क्या होता है, यहां पर राइट टू बाय। कॉल ऑप्शन खरीदने का मतलब हो गया, उसने एक राइट खरीद लिया कि मैं आऊंगा और तुमसे शेयर खरीदूंगा। थियोरेटिकली, थियोरेटिकली बोले तो फिजिकल सेटलमेंट अगर हो तो, कि मैं आऊंगा और तुमसे शेयर खरीदूंगा। ओके, लेकिन मैं कब आऊंगा, ऑब्वियसली जब मेरे लिए बेनिफिशियल होगा तब आऊंगा। हम ऐसे कैसे राइट दे दें किसी को, मैंने कहा ऑप्शन बायर इसके लिए क्या करेगा, प्रीमियम देगा। यहां पर क्या देगा, ऑप्शन बायर इसके लिए प्रीमियम देगा। अच्छा, मैंने दोनों जगह ऑप्शन बायर लिख दिया। ओके, ऑप्शन बायर इधर, ऑप्शन सेलर, एक बायर होता है और एक सेलर होता है। तो इसके लिए बायर क्या करेगा, राइट टू बाय, ये राइट एक्वायर करने के लिए, ये राइट एक्वायर करने के लिए वो क्या करेगा, प्रीमियम पे करेगा। प्रीमियम विल बी पेड, ऑप्शन प्रीमियम जिसे कहा जाएगा, प्रीमियम विल बी पेड टू एक्वायर राइट, टू प्रीमियम, हाँ प्रीमियम विल बी पेड टू एक्वायर राइट। ओके, राइट को एक्वायर करने के लिए ये बंदा क्या करेगा, प्रीमियम पे करेगा और एक राइट एक्वायर कर लेगा कि मैं आऊंगा और इतने रुपए में तुमसे शेयर खरीद लूंगा। दैट इज कॉल ऑप्शन, उसने खरीद लिया, हम कहेंगे कॉल ऑप्शन उसने खरीद लिया। अभी मैं फिजिकल सेटलमेंट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है, कैश सेटलमेंट नहीं, जो मार्केट में एक्चुअली चलता है। तो प्रीमियम विल बी पेड टू एक्वायर द राइट, ठीक है सर। नाउ ऑप्शन सेलर, ऑप्शन सेलर क्या होगा सर, ऑप्शन सेलर के पास यहां पे राइट नहीं होगा। दैट मीन्स ऑप्शन सेलर के पास क्या होगा, ऑब्लिगेशन होगा। ऑब्लिगेशन, सेलर के पास किस चीज का ऑब्लिगेशन है, अगर बायर आता है, अगर बायर आता है और वो शेयर खरीदता है तो सेलर का काम होगा उसे शेयर बेचे।
उसे शेयर बेचे. ऑब्लिगेशन टू सेल, ऑब्लिगेशन टू सेल द शेयर. तो ऑप्शन सेलर के पास क्या है, वो बाउंड है शेयर बेचने के लिए, वो बाउंड है शेयर बेचने के लिए. अगर बाहर आके खरीदना चाहता है तो सेलर बाउंड है उसको बेचने के लिए, सेलर बाउंड है उसको बेचने के लिए. ओके, क्यों बाउंड है, प्रीमियम हैज बीन रिसीव्ड बाय, सेलर. वो जो प्रीमियम बायर ने पे किया था वो किसको मिला, सेलर को मिला. ओके, मतलब बायर ने सेलर को प्रीमियम दिया है. नाउ बायर हैज ऑप्शन एंड सेलर हैज ऑब्लिगेशन. बायर के पास ऑप्शन है, राइट है, और सेलर के पास ऑब्लिगेशन है बेचने का. ओके, तो ऑब्लिगेशन टू सेल, लेकिन कब, ऑब्वियसली उसको ऑब्लाइज कब होना पड़ेगा, कब उसे फुलफिल करना पड़ेगा, जब बायर आएगा. और बायर कब आएगा, जब बायर के लिए बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज बायर नहीं आएगा. ठीक है, ये थ्योरेटिकली अपन पढ़ते हैं. ऐसे ही पुट ऑप्शन में, पुट थ्योरेटिकली बोले तो अगर फिजिकल सेटलमेंट हो तो, पुट ऑप्शन में भी क्या होगा, एक ऑप्शन बायर होगा और एक ऑप्शन सेलर होगा. बायर क्या होता है सर, बायर के पास राइट होगा. कैसा राइट, फ्यूचर में हम दो काम करते थे, फ्यूचर बाय करके भी सेल कर सकते थे और सेल करके भी बाय कर सकते थे. वैसे यहां पर भी दो अलग अलग ऑप्शन बनाए गए, जहां पर एक बार आपको कॉल ऑप्शन में आपको बाय करने का राइट मिलता है और पुट ऑप्शन में आपको सेल करने का राइट मिलता है. दैट इज राइट टू सेल, राइट टू सेल. ओके, ये राइट आपको कैसे मिलेगा, जब आप प्रीमियम पे करेंगे. प्रीमियम विल बी पेड टू एक्वायर राइट, प्रीमियम विल बी पेड टू एक्वायर राइट. और ऑप्शन सेलर, सेलर के पास क्या होगा इस केस में, ऑब्वियसली ऑब्लिगेशन होगा. अगर बायर आता है शेयर बेचने के लिए, कब आएगा, जब उसके लिए बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा. अगर बायर आता है बेचने के लिए तो सेलर क्या है, ऑब्लाइज्ड है टू बाय, उसे खरीदना होगा, उस शेयर को खरीदेगा, ऑब्लिगेशन टू बाय. क्यों ऐसा क्यों है, प्रीमियम हैज बीन रिसीव्ड बाय सेलर, क्योंकि उसको प्रीमियम मिला है, उसने कुछ पैसा लेकर एक ऑब्लिगेशन अपने माथे ले लिया. प्रीमियम हैज बीन रिसीव्ड बाय सेलर. ओके, ठीक है, थियोरेटिकली ऐसा ही होता है. हाँ सर, ऐसा ही होता है फिजिकल सेटलमेंट में. ओके, फिर आगे बढ़ते हैं. तो सर अभी काम कैसे करता है, सिंपल है, बड़ा आसान है, देखो. अच्छा, ये भी डेरिवेटिव है जो अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं, कैसे, ऑप्शन का वैल्यू. ये जो ऑप्शन प्रीमियम का वैल्यू वो फ्लक्चुएट होता है, किस पे फ्लक्चुएशन होता है, डिपेंड करता है अब उसकी अंडरलाइंग एसेट पे. जैसे टीसीएस है, अंडरलाइंग एसेट था, तो टीसीएस का प्राइस जैसे जैसे अप डाउन होगा, वैसे वैसे ऑप्शन प्रीमियम का वैल्यू की कितना चार्ज करना है बायर से, वो भी अप डाउन होगा. ठीक है ना, ऑप्शन प्रीमियम का वैल्यू भी अप डाउन होगा. ओके, तो बेसिकली तो इतना था कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के अंदर ऐसा रहता है. अब होता क्या है, यहां पर मान लीजिए कॉल ऑप्शन में एग्जाम्पल लें, कॉल ऑप्शन के अंदर एग्जाम्पल लें, टीसीएस का ही ले लेते हैं. टीसीएस शेयर है, अभी चल रहा है मान लो 3300 पर, 3300 पर, और आप चाहते हैं. अच्छा सर, इसमें एक्सपायरी कैसे होता है, सेम वैसे ही, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, सेम वैसा ही एक्सपायरी रहेगा जैसा फ्यूचर में रहने वाला है. ओके, हाँ, निफ्टी के अंदर क्या होता है, निफ्टी के अंदर वीकली एक्सपायरी होता है, बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी होता है, हम उसकी बाद में बात करेंगे. लेकिन हाँ, शेयर्स के केस में क्या होगा, मंथली एक्सपायरी होगा, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ. अभी जून मंथ चल रहा है, जुलाई मंथ चल के सीरीज चल रही है, और अगस्त मंथ की सीरीज चल रही है, एट ए टाइम थ्री सीरीज इसमें भी चलती है. ओके,
तो मान लीजिए टीसीएस का शेयर अभी चल रहा है 3300 रुपए, और आप क्या करते हैं, आप ये कहते हैं कि मैं आऊंगा और तुमसे शेयर खरीद लूंगा, बट ये मेरा राइट है, नॉट ऑब्लिगेशन। तो इस केस में आप क्या बनना चाहोगे, ऑप्शन बायर बनना चाहोगे, कॉल ऑप्शन के बायर। ओके, तो आपने क्या किया, आपने क्या किया, स्ट्राइक प्राइस चलो बाद में लिख लेते हैं। आप क्या कर रहे हो, यहां पर एक कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो, आप यहां पर एक कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो। सीई मैंने शॉर्ट में लिख दिया, अभी दिखाऊंगा सीई क्यों लिखा मैंने, जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे लेके जाऊंगा। कॉल ऑप्शन के लिए सीई और पुट ऑप्शन के लिए पीई लिख देते हैं। तो अपन ने एक कॉल ऑप्शन बाय किया है, कितने की स्ट्राइक रेट का, स्ट्राइक प्राइस का कितना का, स्ट्राइक प्राइस का सर, स्ट्राइक प्राइस मतलब कि आप कौन सी रेट पे खरीदना चाहते हैं। अभी देखो सबसे बड़ा फर्क तो यहां पे ही दिख रहा है भावना, इट इज राइट टू बाय एंड इट इज राइट टू सेल। अभी देखो, तो अगर आपको लग रहा है कि मार्केट बढ़ने वाला है, भावना अगर आपको लग रहा है कि मार्केट बढ़ने वाला है, तो आप क्या करेंगे, एक राइट टू बाय खरीदेंगे, कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, आप राइट टू बाय खरीदेंगे। हाँ ट्विंकल बोलो, या पहले मैं एग्जांपल पूरा कर लूं उसके बाद बोल लेना, कोई बात नहीं, बैठे रहो चुपचाप सुनते रहो, ठीक है ना। स्टार्ट किया नहीं कि तुमको समझ में नहीं आ रहा, अभी सुनते चलो फिर सब समझ में आएगा। हाँ देखते चलो आराम से। टीसीएस 3300 रुपए, कॉल ऑप्शन क्या, हाँ ऑप्शन अगर इतना जल्दी समझ में आ जाता तो बड़े बड़े लोग इसको इजीली समझ लेते, ठीक है ना, इतना आसान नहीं होता है, इसको समझने में टाइम देना पड़ता है, तो सिर्फ सुनते चलो। कॉल ऑप्शन, स्ट्राइक प्राइस, तो ये बंदा क्या कर रहा है, एक कॉल ऑप्शन खरीद रहा है, कितने की स्ट्राइक प्राइस का, मान लो ये 33, आप कितने का भी कर सकते हैं, जितना अलग अलग लेवल पे स्ट्राइक प्राइस होता है, कॉन्ट्रैक्ट रेट होता है, 50-50 के गैप से दिया हुआ होता है, अभी मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे स्ट्राइक प्राइस दिया हुआ होगा। चलो मैं आपको दिखाई देता हूं, पहले जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे ले जाके, ये रहा जीरोधा का प्लेटफॉर्म, ये टीसीएस का शेयर, ठीक है, और मैं इसका लेके चलता हूं तुमको टीसीएस कॉल ऑप्शन सीई। कॉल ऑप्शन में मैं तुमको लेके चलता हूं करीब 3300 का ही खरीद लेते क्या, ओके 3300 का ही खरीद लेते हैं, 3300 का कॉल ऑप्शन ये मैंने यहां पे लगा लिया, 3300 का कॉल ऑप्शन, क्या रेट चल रहा है, करीब 53.50 रुपए चल रहा है। सर और कितने हैं, कौन सी स्ट्राइक प्राइस होती है, मैंने कहा देखो ये ऑप्शन चेन में गया मैं, यहां पे सी फुल ऑप्शन डेटा किया मैंने, हाँ जी देखो आपको क्या दिखा, टीसीएस स्ट्राइक प्राइस, कितनी सारी स्ट्राइक प्राइस है, देखो स्ट्राइक प्राइस इसकी बात कर रहे हैं, एक्चुअली ये क्या है, जिस रेट पर आप खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रेट, आपको सौदा कौन सी रेट का करना, मैं आऊंगा और इस रेट पे खरीदूंगा, मैं आऊंगा और इस रेट पे बेचूंगा, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट रेट। ओके, तो आप जितने का करना चाहें 50-50 के डिफरेंस से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रेट सेलेक्ट कर सकते हैं, आप किसके लिए, कौन सी रेट के लिए बाय करना चाहते हैं और कौन सी रेट पे सेल करना चाहते हैं। हाँ वो रेट भी इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो, इनमें से, क्योंकि एक्सचेंज ट्रेडेड होता है ना, तो इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी स्ट्राइक रेट के लिए आप क्या कर सकते हो, जाकर कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन खरीद सकते हो या बेच सकते हो। ओके, तो अभी अपन कौन सी रेट के लिए कर रहे हैं, हम 3300 के लिए कर रहे हैं, 33, और अभी टीसीएस क्या चल रहा है, 3246 चल रहा है,
3,246 रुपए चल रहा है, 3,246, ओके 3,246 रुपए चल रहा है अभी TCS, ठीक है। मैं कर रहा हूं 3,300 के लिए कि मैं आऊंगा और 3,300 में शेयर खरीद लूंगा TCS। कब आऊंगा? जुलाई, ये अभी जून सीरीज का चल रहा है ना, ओके सर 30 जून एक्सपायरी कब है? ये रही 30 जून की एक्सपायरी के लिए। 30 जून क्यों है? क्योंकि लास्ट थर्सडे ऑफ जून क्या है? 30 है। चांस की बात है कि महीने का भी एंड है और अपनी सीरीज का भी एंड सेम डे है, वरना जरूरी नहीं, अगर 28 जून लास्ट थर्सडे होता तो एक्सपायरी 28 जून की होती, ठीक है सर, ओके। तो मैं आऊंगा और 30 जून तक कभी भी तुमसे क्या कर सकता हूं, 3,300 रुपए में ये शेयर खरीद सकता हूं। और इसके लिए मैं अभी क्या दे रहा हूं? ऑप्शन प्रीमियम दे रहा हूं। दिस वन इज ऑप्शन प्रीमियम। अभी मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं? कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूं। दिस वन इज कॉल ऑप्शन और ये रहा पुट ऑप्शन, जिसकी हम बाद में बात करेंगे। अभी फिर बात कर रहा हूं किसकी? अभी फिलहाल कॉल ऑप्शन की। बोलो यहां तक अभी जो बता रहा हूं वो समझ में आ रहा है कि TCS 3,245 चल रहा है, मैं 3,300 के लिए कॉल ऑप्शन खरीद रहा हूं, दैट मींस राइट टू बाय, मैं आऊंगा और 3,300 में शेयर खरीदूंगा और इसके लिए मैं अभी प्रीमियम कितना दूंगा? 5,310। बोलो ये वाली बात समझ में आई क्या यहां तक? ओके भावना, ओके काजल, ट्विंकल, यहां तक आया समझ में? आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। तो 3,300 आप जिस रेट के लिए करना चाहें उस रेट के अकॉर्डिंग आपको पैसा लगेगा। हाँ सर आपने बोला, ठीक है 3,300 में खरीदेंगे। हाँ अभी बोल रही है कि हाँ, और अगर, अरे अगर मगर मैं कराऊंगा ना, अभी रुक जा बैठी रहे, यही प्रॉब्लम होती है शेयर मार्केट के अंदर। बड़े इतने बच्चे हैं ना, एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं कि बस उनको ऐसा फटाफट बता दो, रुक जाओ सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। अगर आप 3,200 की कॉन्ट्रैक्ट 3,200 में बोलते कि मैं आऊंगा और खरीदूंगा तो आपको 104 रुपए भी देने पड़ेंगे प्रीमियम के लिए। उस टाइम प्राइस कम हुआ तब भी 3,300। मैंने क्या कहा? ट्विंकल अपने पास राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं, वी हैव राइट, वी आर ऑप्शन बायर, ठीक है जी, वी आर ऑप्शन बायर। ओके चलते हैं सर अब हम वहां पे वापस जहां हम लिख रहे थे क्वेश्चन। तो मैं क्लियर कर रहा हूं सारा ड्राइंग्स, ठीक है, क्लियर ऑल ड्राइंग्स एंड चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अभी हाँ TCS का शेयर चल रहा था सर 3,300 नहीं चल रहा है, करीब सर 3,250 चल रहा है, ओके। और स्ट्राइक प्राइस हम 3,300 के लिए राइट कर रहे हैं, राइट टू बाय, ओके, जिसके लिए अपने को प्रीमियम देना पड़ रहा है कितना? ऑप्शन प्रीमियम है 53 अराउंड, फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है, अभी 53 अराउंड चल रहा है। और तुमको पता है ना लॉट साइज कितना है TCS का? वन लॉट इज इक्वल्स टू 150 शेयर्स। आपको लॉट में काम करना, जैसे फ्यूचर में लॉट में काम होता है वैसे यहां पर भी लॉट में काम होगा, ओके। अब सोचो आपने एक राइट बाय कर लिया है, आपने 53 रुपीज दे दिए हैं, तो आपने टोटल पे कितना कर दिया? क्या बताओगे आपने टोटल पे कितना कर दिया? टोटल प्रीमियम कितना बना आपका? टोटल प्रीमियम कितना बना आपका? थ्योरेटिकली अगर देख रहे हैं, सब कुछ थ्योरेटिकली देख रहे हैं ना, टोटल प्रीमियम कितना बना? 53 इंटू, यहां पे कैलकुलेटर नहीं है, बताना जरा 53 इंटू 150 कितना होगा? ओके ठीक है 7,950, ये मैंने 7,950 रुपीस दे दिए, ओके टोटल प्रीमियम पेड। मैं हूं ऑप्शन बायर, मैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूं, अभी बायर हूं। मैंने 7,950 रुपए का प्रीमियम दिया, पे किया और एक राइट ले लिया कि मैं आऊंगा और 3,300 में शेयर खरीद लूंगा, ठीक है सर खरीद लेंगे। अब क्या होगा? आपको प्रॉफिट हो जाएगा कि नुकसान होगा? बोलो आपको कितना फायदा कितना नुकसान होगा? कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस
इफ मान लीजिए एक्सपायरी तक आप रुके रहे और एक्सपायरी पर टीसीएस का जो शेयर है वो चल रहा है 3500 रुपीस। और दूसरा ऑप्शन, एक्सपायरी पर टीसीएस का शेयर चल रहा है 3200, ठीक है ट्विंकल, आप वाला रेट ले लिया मैंने। तो अभी आपने 7950 रुपए दे दिए हैं बायर, ये तो लग गए हैं तुम्हारे पास से, इनके लिए तो भूल जाना। ओके नाउ ऑन एक्सपायरी, अगर एक्सपायरी पर टीसीएस का शेयर 3500 रुपए हो, टीसीएस का शेयर 3500 रुपए हो, तो बताइए आपको कितना फायदा या कितना नुकसान होगा? क्या आप जाएंगे बायर, बताइए क्या आप जाएंगे 3300 में शेयर खरीदने के लिए? बोलो 3300 मैं जाऊंगा और इस रेट पे शेयर को खरीद लूंगा, बाय करने का, सी मतलब राइट टू बाय, कॉल ऑप्शन मतलब राइट टू बाय, 3300 में आपको बाय करने का राइट है, क्या आप जाएंगे 3300 में बाय करने के लिए? भावना और गरिमा ने कहा यस हम जाएंगे, ऑब्वियसली आपके लिए बेनिफिशियल होगा, तो आपके पास राइट है बाय करने का, एंड सेलर आपको ऑब्लिगेशन है उसके पास कि आपको वो सेल करेगा ही करेगा, आप खरीदने जाओगे तो वो बेचेगा ही बेचेगा। ओके तो यहां आपको क्या फायदा हो जाएगा, आपको प्रॉफिट हो जाएगा, आप खरीदने जाएंगे ना तो आप 3300 में उसको खरीद लेंगे और ऑब्वियसली आपको क्या करना है, मार्केट में ले जाके उसको बेचना है, आपको अपने पास नहीं रखोगे, ऑब्वियसली अपने पास रख के क्या करोगे, आपको तो बस खरीदना और बेचना था, तो आप गए आपने 3300 में शेयर खरीदा और अभी मार्केट रेट 3500 है तो उसमें बेच दो, तभी तो प्रॉफिट लॉस होगा, वरना आपको रखना है तो आप रखो, ठीक है ना, लेकिन प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट नहीं हो पाएगा ना, तो इसलिए प्रॉफिट लॉस के लिए अपने को क्या करना है, खरीदा और बेचा, तो अपने को कितने का प्रॉफिट होगा बोलू, प्रॉफिट ऑन एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, बोलो कितने का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ऑन एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। सर हमको है ना, हम उससे जाके 3300 में खरीद लेंगे और मार्केट में ले जाके 3500 में बेच देंगे। ओके मार्केट में ले जाके 3500 में बेच देंगे, ठीक है सर। ये तो एक शेयर पर, तो 150 शेयर्स पे कितना फायदा होगा बोलो, 150 × 200 30,000 रुपए का अपने को फायदा होगा, 30,000 रुपए का अपने को फायदा होगा। लेकिन अब एक चीज देखो, इसके लिए आपने 7950 रुपए तो स्टार्टिंग में ही दे दिए थे, तो वो प्रीमियम तो आप ऑलरेडी दे चुके हो ना, वो तो रिकवरी नहीं होने वाला, वो तो रिकवरी नहीं होने वाला, तो आपको नेट फायदा कितना रहेगा, 22,050, इसको बोलेंगे नेट पे ऑफ, क्या बोलेंगे, नेट पे ऑफ। बोलो यहां तक समझ में आया क्या, यस और नो, आपके पास राइट था जाके खरीदने का तो आप जाके खरीद लेना, 3500 में खरीदोगे, मार्केट में 3500 में बिक रहा है, बेच दो, 200 का फायदा हो जाएगा। ओके काजल, काजल को समझ में आया, ओके गरिमा, गरिमा को भी समझ में आया, तो 30,000 का फायदा हुआ, लेकिन इसके लिए आप ऑलरेडी वो राइट जो आपने खरीदा था उसके लिए 7950 रुपए ऑलरेडी दे चुके हैं। तो सर ये पैसे कौन किसको देगा, टेंशन नहीं, सेलर अगर फिजिकल सेटलमेंट है तब तो सेलर बायर को देता है ना, लेकिन होता क्या है, ये तो एक्सचेंज ट्रेडेड है ना, हम बायर सेलर को नहीं जानते ना, तो हमने पैसे डिपॉजिट कराए तो हमारे अकाउंट में क्या हो जाएगा, अपने आप डिपॉजिट होगा। ये जो क्लियरिंग सिस्टम होता है वो सेटअप करके रखता है अपने आप, स्टॉक एक्सचेंज सेबी वगैरह क्लियरिंग सिस्टम, वो सेलर से पैसा लेके आपको पैसा दे देगा। लेकिन सर जैसे आपने बोला कि हम लॉट्स में बाय करते हैं, तो इसका मतलब 150 शेयर के लिए हमने 3500 पे किया था ना? नहीं भावना, यही तो
हाँ ओके ट्विंकल, यही तो अच्छी चीज है, आपको पूरे रुपए नहीं देने, पूरे 3300 रुपए नहीं देने, सिर्फ और सिर्फ क्या देना है। भावना का अच्छा क्वेश्चन था कि सर हमको 150 पे पूरे 3300 नहीं देने ना, आपको सिर्फ 53 रुपए 53 रुपीज देकर आपने एक राइट बाय कर लिया है कि मैं आऊंगा और खरीदूंगा, सिर्फ 53 देने हैं, सिर्फ 53 पर शेयर, और आपका काम हो गया और आपने एक राइट खरीद लिया। अब आप जाना और 3300 रुपए में शेयर खरीदना और उसको 3500 में मार्केट में वापस बेच देना। क्लियर है? अगर फिजिकली अपन सोचे तो, फिजिकली सेटलमेंट सोचे तो ठीक है भावना। ओके नेक्स्ट ट्विंकल देखते चलो। ऑन एक्सपायरी अगर टीसीएस 3200 रुपए हो जाए तो क्या आप जाएंगे? 3300 रुपए 3300 में आपने राइट बाय कर रखा है, कॉल ऑप्शन खरीद रखा है, मतलब आपने एक बाय का राइट खरीद रखा कि मैं आऊंगा और 3300 रुपए में शेयर खरीद लूंगा अगर मेरे लिए बेनिफिशियल रहा तो। अब मार्केट में रेट है 3200, क्या आप जाएंगे 3300 में? हाँ ट्विंकल ने कहा नहीं। आया ना समझ में? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। हाँ अभी बोल आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। बोलो जाएंगे क्या? भावना क्या आप 3200 में, हाँ मार्केट में मिल रहा है, क्या 3300 में खरीदने के लिए जाएंगे? जा सकते हैं। अच्छा अच्छा भावना, एक दुकान पे आपको सामान 200 रुपए में मिल रहा है और एक में 300 में, कहाँ जाएंगे? 200 में खरीदने जाएंगे कि 300? हाँ ट्विंकल, एक जन 200 में बेच रहा है आपको कोई सामान और एक दो 300 में बेच रहा है, कहाँ जाओगे? समझा ना? तो 3300 में खरीदने नहीं जाएंगे भैया, मार्केट में 3200 में मिल रहा है वहीं खरीद लेंगे। ओके हाँ ट्विंकल, उसका वो गया तो अभी ऑप्शन क्या हो गया है? नहीं जाएंगे। ऑप्शन क्या हो, ऐसे बोलेंगे ऑप्शन हो गया लैप्स। पहले तो आपने एक्सरसाइज किया था कि नहीं किया था? ऑन एक्सरसाइजिंग प्रॉफिट, ऑन एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, पहले आपने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया था, अभी ऑप्शन क्या हो रहा है? लैप्स हो रहा है। तो ऑप्शन लैप्स होने का मतलब आप गए ही नहीं, आपको फायदा ही नहीं था तो आप क्यों जाएंगे? हाँ जी ऑप्शन लैप्स हो गया है और आपको किसी तरह का कोई फायदा यहां पर नहीं मिला, लेकिन क्योंकि आप प्रीमियम तो दे चुके थे राइट खरीदने के लिए, वो तो जा चुका है, उसको तो भूल जाओ, तो 7950 ये आपका नेट नुकसान हो गया, 7950। ओके दैट इज नेट पे ऑफ। बोलो समझ में आया क्या? अभी दिस इज राइट टू बाय, जो ऑप्शन बायर के पास होता है, ऑप्शन बायर के पास होता है। बोलू यहां तक समझ में आया? अभी पुट ऑप्शन पे चलते हैं फिर। चलो हाँ हरी झंडी बता दो फटाफट से। ओके नाउ पुट ऑप्शन, चलिए चलते हैं पुट ऑप्शन की तरफ। अब पुट ऑप्शन के बारे में अगर अपन एग्जांपल देखें तो कैसा रहेगा? मैंने कहा ये लो एग्जाम्पल, इसी क्वेश्चन को पुट ऑप्शन का बना देते हैं। टीसीएस का शेयर चल रहा है अभी कितने पे? 3250 पे। पुट ऑप्शन मतलब पीई, आपने पुट ऑप्शन क्या किया? बाय किया, यू आर द ऑप्शन बायर। ओके ये तो सर फिजिकल सेटलमेंट, कैश में भी ऐसा ही होता है क्या? बताएंगे अभी भावना। ओके तो 3250 पुट ऑप्शन, स्ट्राइक प्राइस किसी भी स्ट्राइक प्राइस के लिए आप कर सकते थे, जो जो मैंने आपको दिखाया था 3300। पुट ऑप्शन का मतलब होता है राइट टू सेल, इसका मतलब आपने इस रेट पर क्या कर लिया है? एक सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं आऊंगा और 3300 में टीसीएस के शेयर को बेचूंगा 3300 में, और इसके लिए आपको ऑप्शन प्रीमियम कितना देना है?
ऑप्शन प्रीमियम। चलिए देखते हैं एक बार चल के कि 3300 की स्ट्राइक प्राइस के लिए प्रीमियम कितना है। ये रहा 3300 का स्ट्राइक प्राइस और इसके लिए प्रीमियम है 93.65 पुट ऑप्शन, राइट टू सेल पुट ऑप्शन 93.75 ओके। तो हम 94 ले लेते हैं, 3300 के लिए क्या है 93.95 हो ही चुका है, तो हम 94 रुपये का प्रीमियम ले लेते हैं। चलिए तो अगर आपको 3300 पे जाकर सेल करना है तो आपको 94 रुपीज का प्रीमियम देना पड़ेगा ओके। वापस क्वेश्चन पर चलो, तो ऑप्शन प्रीमियम हमने लिखा यहां पर 94 ओके। लॉट साइज सेम वही, चाहे बाय करो चाहे सेल करो, वन लॉट इज इक्वल्स टू 150 शेयर्स ओके। काजल कैलकुलेट करना है प्रॉफिट और लॉस इफ ऑन एक्सपायरी टीसीएस इज 3500 का हो गया या फिर ऑन एक्सपायरी टीसीएस 3200 का हो गया ओके। नाउ दिस टाइम टोटल प्रीमियम आपने कितना दिया, टोटल प्रीमियम कितना दिया सर हमने 94 इंटू 150। काजल ने कहा 14,100 रुपए का प्रीमियम दिया ओके। चेक कर लेना सब लोग वापस, ठीक है ओके काजल भावना। नाउ ऑन एक्सपायरी, ऑन एक्सपायरी अगर टीसीएस 3500 रुपए हो जाए तो बोलो क्या आप लोग 3300 में सेल करने के लिए जाओगे। दिस टाइम राइट टू सेल, क्या 3300 में आपने स्ट्राइक प्राइस मतलब कॉन्ट्रैक्ट रेट, इस बार कॉन्ट्रैक्ट इसके लिए राइट टू सेल है, क्या आप 3300 में बेचने के लिए जाओगे। नो नहीं जाएंगे, वेरी गुड भावना काजल। तो क्या ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, नो ऑप्शन लैप्स हो जाएगा, आप जाएंगे नहीं। मैं आप कहोगे मार्केट में ना बेच लूं 3500 में, ऑप्शन लैप्स तो कोई प्रॉफिट नहीं। लेकिन आपके पास से जो प्रीमियम चला गया था वो आपका नुकसान हो गया है 14,100 रुपए का नेट पे ऑफ। ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं अपन, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं सब कुछ। पहले बायर समझो अच्छे से, फिर सेलर की बात। सेल में तो बस इसका ऑपोजिट हो जाना है, जो यहां पे प्लस है वहां पे माइनस हो जाना है ओके। नाउ अगर सेकेंड नंबर ऑन एक्सपायरी टीसीएस का शेयर 3200 हो जाए, ऑन एक्सपायरी टीसीएस का शेयर अगर 3200 हो जाए तो क्या होगा, बोलो क्या तुम 3300 में बेचने के लिए जाओगे, क्या तुम 3300 का तुम्हारे पास राइट है, राइट टू सेल क्योंकि तुमने पुट ऑप्शन खरीदा है, तो क्या 3300 में सेल करने के लिए जाओगे। एक्सपायरी पर 3200 है, यस जाएंगे सर, वेरी गुड ऑप्शन। हाँ प्रॉफिट ऑप्शन ऑन प्रॉफिट ऑन एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, प्रॉफिट ऑन एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। कितना प्रॉफिट होगा, हम बेचेंगे 3300 में, हम बेचेंगे 3300 में और मार्केट में चल रहा है 3200, तो अगर मेरे पास शेयर नहीं होगा तो मैं मार्केट में पहले 3200 में खरीद लूंगा और फिर जिससे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है 3300 में उसको ले जाके बेच दूंगा, ऐसा फिजिकल सेटलमेंट में ओके। तो मेरे को 100 रुपए का फायदा हुआ, कितने शेयर्स पे 150 शेयर्स पे,
तो टोटल फायदा हुआ मुझे 15,000 का यहां पर, और उसमें से मैंने कहा भैया प्रीमियम भी तो दे दिया था, ऑप्शन प्रीमियम 14,100 रुपये का, यस। तो नेट फायदा अपना रहा सिर्फ 900 रुपये का, नेट पे ऑफ सिर्फ 900 रुपये, नेट पे ऑफ सिर्फ 900 रुपये। ओके डन। अच्छा एक बात बताओ, कॉल ऑप्शन में फायदा कब हुआ था? कॉल ऑप्शन में फायदा हुआ था सर जब कॉल ऑप्शन में फायदा हुआ था सर जब मार्केट में रेट है ना 3,500 रुपये हो गया, अभी कितना है? 3,250 है, 3,250 है या 3,300 स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग। तो हमको फायदा कब हुआ? जब शेयर का प्राइस बढ़ा या जब शेयर का प्राइस कम हो गया? बोलो, कॉल ऑप्शन में एक बायर को फायदा कब होता है? जब शेयर का प्राइस बढ़ता है तब फायदा होता है या जब शेयर का प्राइस गिरता है तब फायदा होता है? कॉल ऑप्शन में एक ऑप्शन बायर को फायदा कब होता है? जब शेयर का प्राइस बढ़ जाए, एक्सपायरी पे 3,500 हुआ तब फायदा हुआ, या एक्सपायरी पर जब गिर के 3,200 हो गया तब फायदा हुआ? जब ज्यादा होता है तब, क्योंकि आपने एक राइट टू बाय ले रखा है, और अब बाय जिस रेट से आपने बाय का फिक्स कर रखा है, जिससे जितना ज्यादा 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 प्राइस जाएगा आपको फायदा होगा। आप खुद देख लो ना, 3,500 रुपये हुआ एक्सपायरी पर तो आपको 22,050 का फायदा, 3,200 रुपये अगर टीसीएस गिर के हो गया, कम हो गया, तो आपको नुकसान। इसका मतलब कॉल ऑप्शन में, इसका मतलब कॉल ऑप्शन कब लेना चाहिए? जब, हाँ, जब आपको लगे कि मार्केट बढ़ने वाला है, आपकी शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है, तो उस केस में ऑप्शन बायर क्या करेगा? उस केस में आपको क्या बनना चाहिए? ऑप्शन बायर बनना चाहिए, कॉल बाय करना चाहिए, ठीक है ना? यू हैव टू बाय कॉल। कब? अगर मार्केट बढ़ रहा हो तब, इफ देयर इज अप ट्रेंड, इफ देयर इज अप ट्रेंड, मार्केट बढ़ रहा हो या टीसीएस का शेयर बढ़ने वाला हो, तो आपको क्या करना चाहिए? कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए। और आपको क्या बनना चाहिए? इसका मतलब ऑप्शन बायर बनना चाहिए। यू हैव टू बाय कॉल ऑप्शन, आपको ऑप्शन बायर बनना चाहिए। और पुट ऑप्शन कब लेना चाहिए आपको? पुट ऑप्शन कब लेना चाहिए आपको? जब आपको लगे, आप देखो आपको फायदा कब हुआ था पुट ऑप्शन में? 3,500 में फायदा हुआ था या 3,200 में? सर 3,200 में, जब शेयर का प्राइस गिरा तब हमें फायदा हुआ, 3,500 में तो नुकसान हो गया था। ओके, डाउन ट्रेंड, यस भावना, क्योंकि बढ़ा तो नुकसान है लेकिन कम हुआ तो फायदा है। क्यों? इस बार राइट टू सेल था, कोई चीज मैंने कहा 3,300 में बेचूंगा, तो मेरे को फायदा कब होगा? जब उसका रेट डाउन 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 हो जाए तो मेरे को 3,300 में बेचने का फायदा है। अगर उसका रेट बढ़ जाए दूसरी जगह तो मेरे को क्या फायदा 3,300 में बेचने का? मार्केट में बेचने से ज्यादा मिलता। तो बेचने पर अगर रेट कम हो जाता है तो मुझे फायदा होता है। तो पुट ऑप्शन कब लेना चाहिए? जब आपको लगे कि वहां पे डाउन ट्रेंड है, इफ देयर इज डाउन ट्रेंड। अगर आपको लगे कि डाउन ट्रेंड है तो यू हैव टू बाय पुट ऑप्शन, तुम्हें पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए, ऑप्शन बाय। ओके, यहां तक का आज अच्छे से समझना, वापस वीडियो देखना, और फिर हम अभी कंटिन्यू रखेंगे कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ फिजिकली बात की है सेटलमेंट की, तो
कैश सेटलमेंट में कैसे होता है, क्या होता है, ये सब कल बात करते हैं। तब तक कल मार्केट में और मूवमेंट होगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज हमने डेटा लिख लिया, अब कल बात करेंगे। चलिए तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय। समझना पूरा, एक बार देखना, एक बार देखे बिना और होगा नहीं। ये एक ऐसी चीज होती है जिसको बार बार देखना होगा स्टार्टिंग में। एक बार कंसेप्ट दिमाग में सेट हो गया ना, फिर आप कभी नहीं डरोगे। ठीक है, ओके बाय।